बाद हम लिखेंगे कहानी, कहानी लेखन। सूचना है निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए और सीख लिखिए। नदी के किनारे एक वृक्ष। नदी के किनारे एक वृक्ष, वृक्ष पर एक कबूतर। नदी में बहती हुई चींटी। कबूतर का देखना। पत्ता तोड़कर नदी में फेंकना। पत्ते के सहारे चींटी का किनारे पर आना। एक शिकारी का कबूतर पर निशान डाकना। चींटी का देखना। शिकारी के पैर पर काटना। निशाना चूकना। पत्तों की खरखराहट। कबूतर का उड़ जाना।
उड़ जाना। सीख ये रूपरेखा है, हम इसके आधार पर कहानी लिखेंगे। यहां पहला हम शीर्षक लिखेंगे भलाई का बदला। इस कहानी में है कबूतर एक डूबती हुई चींटी को बचा लेता है पेड़ का पत्ता फेंक कर। तो उसका बदले में चींटी भी एक दिन कबूतर शिकारी का शिकार बनने जा रहा था, तो देखा तो उसने शिकारी के पैर पर काट लिया, जिससे शिकारी निशान चूक गया और कबूतर की जान बच गई। इस कहानी का हाल यही है कि भलाई का बदला। रूपरेखा के आधार पर पूरी कहानी लिखेंगे। अब शीर्षक है भलाई का बदला। कहानी लिखेंगे एक नदी थी, एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक परिच्छेद दिखा, दूसरा परिच्छेद। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा।
चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पट्टे पर आ गई। पट्टा बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पट्टा बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। अंतिम परिच्छेद एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। उसने एक शिकारी ने उसे देखा और एक शिकारी ने उसे देखा। और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा।
उसने फौरन जाकर शिकारी के पांव में काटा। शिकारी डर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। यहाँ हमारी कहानी पूर्ण होती है। अब हम सीख लिखेंगे। हमें क्या बोध मिलता है इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भलाई करने वाले का सदा भला ही होता है। सदा भला ही होता है। अतः हमें दूसरों का हमेशा भला करना चाहिए।